नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है। मैं कालहस्ती में रहते हैं, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। मेरा एज 34 इयर्स है। मेरा 20 इयर्स से कलंकारी काम कर रहे हैं। 10th क्लास पढ़ रहे थे, मेरा विलेज में मुरली नाम का नेशनल वाड़ी है, वो कलंकारी काम करते था। मैं उसका काम देख के बहुत अट्रैक्ट हो गया। वो कलंकारी का जो पैशन है, वो जो अवार्ड्स के लिए अवार्ड्स लेते हैं, नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड, ऐसा अवार्ड्स के लिए चलते रहते हैं। सो सब कुछ अच्छा लगा मुझे, मैं भी अचीव करना चाहती थी, इसलिए मेरा कलंकारी लाइन पे आया। हमारा इंडिपेंडेंस आने में कमला देवी चट्टोपाध्याय नाम के एक मिनिस्टर था हमारा क्राफ्ट का। वो मिनिस्टर, वो उन्होंने इंडिया में जो जो क्राफ्ट है उसका बचाने के लिए कोशिश किया। सो वो कमला देवी चट्टोपाध्याय इसको काम लेके आके कलंकारी में एक ट्रेनिंग सेंटर बना के 50 नंबर्स को ट्रेनिंग दिया उस टाइम था। वो परंपरा से मैं भी सीखा, मेरा थर्ड जनरेशन है कलंकारी पे, तो मैं सीखा वो मेरा गुरु के साथ। प्लस ITI खत्म हो गया मेरा, उसके बाद मैं कंपनी में काम किया, उसके बाद मुझे लगा वो मेरा नहीं। सो उसके बाद मैं कलंकारी में आ गया। मैं बचपन से कर रही थी मेरे गुरु के साथ, बट कनेक्ट हो गया, वो अच्छा लगा मुझे कलंकारी के लिए। पहले मेरा वर्क में सोच रही थी हम थोड़ा इंडिपेंडेंट, खुद किसी को कुछ देख करना है, किसी को इनकम करना है, उसके साथ प्राउडली रहना है। ऐसा मेरे पास अभी 40 पीपल काम कर रहे हैं लेडीज, सारा भैया भैया बुलाते हैं मुझे, और वो अच्छा लगता है भी मुझे। काम इतना पीपल काम दे रहे हैं फॉर फ्रीली, वो लोग घर से बाहर आके काम कर रहे हैं। सो ये सब अच्छा लगता है, इसलिए कभी नहीं सोचा काम बंद कर। हमारा गांव में किसी को पता है, मतलब जब ज्यादा लोग को पता नहीं होता ये कलंकारी है, हमारा हेरिटेज का क्राफ्ट एक है, तो सबको पता चलना पड़ेगा हमारा क्राफ्ट एक है, AP में कलंकारी है। इसके लिए बहुत जन को ये काम आगे जाना पड़ेगा और सबको पता चलना पड़ेगा कलंकारी काम है।